के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है और कमाल की बात यह देखिए कि चारों में से कोई, चार से मतलब बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसके अलावा कांग्रेस, चारों में से कोई नहीं चाहता कि गठबंधन की सरकार वहां पर बने और सब कह रहे हैं कि राज्यपाल शासन वहां पर लगना चाहिए और जल्द से जल्द चुनाव वहां पर होने चाहिए। इस दौरान कमाल की बात यह देखिए कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 2015 में पीडीपी के साथ गठबंधन बनाने के लिए तैयार थी, बाकायदा राज्यपाल को पत्र भी भेजे, वो भी अब ये कह रही है कि वो भी गठबंधन के लिए तैयार नहीं क्योंकि अब इससे उनको नुकसान होता हुआ नजर आएगा। तो क्या राजनीतिक पार्टियां जम्मू कश्मीर के विकास के लिए साथ नहीं आती बल्कि अपने विकास के लिए साथ आती हैं? इस पर लगातार हम बात करें और साथ में भविष्य में अब क्या होने वाला है इस पर भी बात करें। मेरे साथ बीजेपी से रामलाल शर्मा जी हैं, कांग्रेस से मनोज मुद्गल जी बने हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी बने हुए हैं। रामलाल शर्मा जी, सर कुछ चुनाव तो सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए जीत लिए गए, अब आने वाले चुनाव में एजेंडा ये रख दिया जाएगा कि आतंकवाद से लड़ते हुए अगर गठबंधन की सरकार को भी बलि चढ़ाना पड़ा तो बीजेपी उसे पीछे नहीं हटती, आतंकवाद से समझौता नहीं करेगी, इस मैसेज के साथ आगे बढ़ा जाएगा और ये पूरे प्लानिंग के तहत गठबंधन को तोड़ा गया? जितेंद्र जी, कोई प्लानिंग के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा सर, आपने मेरी नाम राशि बदल के रख दिया सर, विजेंद्र जी। जी विजेंद्र जी, कोई योजनाबद्ध तरीके से गठबंधन नहीं तोड़ा या किसी भी मुद्दे को बुनाकर और सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। तत्कालीन परिस्थितियों के साथ जी, और जिस उम्मीद के सहारे या जिस विश्वास के साथ में सरकार बनाई थी, वो बनाई थी विकास के मुद्दे के आधार पे, आतंकवाद के लगाम के मुद्दे पे, लेकिन कभी भी किसी भी राज्य के साथ इस आधार पे समझौता नहीं कर सकते कि हमें मजबूरी के अंदर चाहे सरकार चलानी, लेकिन प्रदेश का और वहाँ जम्मू कश्मीर का अहित होता रहे, इस आधार के ऊपर सरकार चलाना भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं। साल से हो रहा था ये। लेकिन रामलाल जी, 3 साल से हो रहा है, लेकिन 3 साल से हो रहा है तो 3 साल से ऑपरेशन भी चल रहे हैं और आपने देखा भी होगा कि जो भी आतंकवादी घटना हुई है उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से ऑपरेशन अलाउड चलाने के लिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी का गठबंधन हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब ये कह रहे हैं कि गठबंधन टूटने के बाद वहां पर ऑपरेशन ऑल आउट रुक जाएगा, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। नहीं, लेकिन वहां की एक लोकतांत्रिक सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार से भी उम्मीद ये की जाती है कि वो उन नीतियों के ऊपर काम करे जिन नीतियों के अंदर प्रदेश का विकास हो सके या प्रदेश का भला हो सके। बीजेपी की या पीडीपी की? नहीं, महबूबा मुफ्ती को हम सुन रहे थे, जो भी सहमति के आधार पर प्रोग्राम के तहत बारे में आप कहते हैं, सरकार के एजेंडे में थी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया था उस तहत के साथ ही काम करना था सरकार को। और जब हमने लगा, आज आप भी खुलासा कर दीजिए क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर ये लिखा था कि धारा 370 को टच नहीं किया जाएगा? लेकिन सोलंकी जी, जिस रामलाल शर्मा जी क्या लिखा था सर, सोलंकी जी सर क्या लिखा था, क्योंकि महबूबा मुफ्ती यही कहती नजर आई है। महबूबा मुफ्ती तो आज कह रही है, आज से पहले तो नहीं कह रही सर, आप बताइए ना क्या ये था या नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लेने के बाद में के साथ कॉमन प्रोग्राम के जरिए लिखा गया था कि धारा 370 को धीरे धीरे डिसॉल्व किया जाए। 3 साल के अंदर महबूबा जी ने जो आज बोल रही है वो कभी नहीं बोली, लेकिन आज वो क्यों बोल रही है? लेकिन आज जिस तरीके से जिस विकास के मॉडल के आधार के ऊपर गई है कि शक्ति की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, पॉलिसी नहीं चलेगी, वो तो अभी भी यही कह के चली हैं। नहीं, उनको लग रहा था तो आज से पहले तो उन्होंने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। बीजेपी को क्या मिला 3 साल में, लेकिन सोलंकी जी, गठबंधन से देश को क्या मिला सर ये बताइए। सोलंकी जी, अगर महबूबा जी को लग रहा था तो वो 3 साल में पहले तो कभी स्टेटमेंट की सकते हैं। उन्होंने अपने मन की कराई है, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया, पीडीपी ने समर्थन वापस तोड़ लिया, उन्होंने गिनाया है सब कुछ। श्याम सुंदर शर्मा जी, सर ये गठबंधन तब तक चलता रहा जब तक महबूबा मुफ्ती की चलती रही और जैसे ही महबूबा मुफ्ती की चलनी बंद हुई गठबंधन टूट गया। देखिए, सीज फायर जैसे ही तोड़ा, उन्होंने कहा कि हम साथ रहने की स्थिति में नहीं है जी। उससे पहले उन्होंने कहा कि 11,000 केसेस जो आपने केसेस वापस आप ही की सहमति से लिए गए क्योंकि पार्टी वहां पर आप ही की थी, और उन्होंने कहा कि लाहौर तक हमने पीएम को भेज दिया बातचीत के लिए, वो तो कह रही हैं मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़ा है, वो कह रही है सर, इसलिए हम जा रहे हैं। हुए युवा कहा गया, हाँ युवा कहा गया, गृहमंत्री भी कहते नजर आए, और 11,000 केसेस वापस लिए आप ही की सहमति से लिए, स्थिति भयानक हो गई। ये बात सही है कि अब आने वाले 4 राज्यों के चुनाव होंगे, उसमें मुख्यमंत्री पीएम को बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है कि हम देखिए कि हम पार्टी को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते, देश को हित में हमने ये गठबंधन तोड़ा है। अब देखिए, आज से रात से प्रचार शुरू हो जाएगा कि भाजपा किसी भी कीमत पर देश को बेचना नहीं चाहती, देश में विद्रोह की स्थिति होगी तो हम इसको सहन नहीं करेंगे और हमने अपनी सरकार को खत्म कर दिया है। तो ये स्थिति अब आने वाले समय में भाजपा
को फायदा होने की स्थिति ज्यादा है, नुकसान तो कम होगा। नुकसान तो पीडीपी को हुआ है क्योंकि कोई भी पार्टी अब उसके साथ जाने को तैयार नहीं है। साहब गुलाम नबी भी ने कहा कि जो जो ऐसी पार्टी के साथ चलेगी अब हम उसके साथ कभी जाने की स्थिति में, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह गई। तो ऐसी स्थिति में गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन नहीं होगा तो राज्यपाल का शासन होगा और राज्यपाल का शासन होगा तो केंद्र की स्थिति सब कुछ चलेगी वहां पर, केंद्र चाहेगा जो कुछ आप चाहेगा जो होगा। और ये देखिएगा कि जैसे सीज़फ़ायर खत्म हुआ, इसको भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि अक्सर राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो क्योंकि केंद्र जो चाहता है वो होता है। जम्मू कश्मीर में स्थिति थोड़ी अलग है सर, वहां पर राज्यपाल शासन लगता है। विजेंद्र जी क्योंकि आपका राज्यपाल प्रतिनिधि केंद्र का ही होता है ना जी, कोई दूसरे का तो होता नहीं है। बोहरा जी जो है केंद्र के भेजे हुए हैं, वहां पर ये राष्ट्रपति शासन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वह धारा 92 के तहत ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल शासन 6 महीने के लिए लागू होता है। ठीक है सर, एक लाइन में बताइए जम्मू कश्मीर के लिए गठबंधन टूटना फायदेमंद है? देखिए जम्मू कश्मीर के हित में, देश हित में गठबंधन टूटना ठीक था क्योंकि जो स्थिति बन रही थी, हमारे रोज शहीद हो रहे थे सैनिक। अब उसमें क्योंकि आप देखिए जैसे सीज़फ़ायर ऑपरेशन ऑल आउट चले, आप जैसे सीज़फ़ायर रोका हमने 4 आतंकवादी को ढेर किया और बहुत सारे वहां पर आतंकवादी आज भी जिस तरह छिपे हुए हैं उनको हम आराम से अब सेना के हाल खोल दिए गए हैं तो निश्चित रूप से जो गलत लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा। आपको लगता है हुर्रियत के नेताओं के लिए नकेल कसी जाएगी? 100% क्योंकि अब वो ये तो बचाव की स्थिति में थे कि ये तो आतंकवादियों को शरणार्थी के रूप में रखने की स्थिति पीडीपी के लोग भी करते थे जी। अब ये क्योंकि मजबूरी में एक सरकार चला रहे थे इसलिए बोल नहीं पा रहे थे कुछ, अब बोलेंगे। मनोज मुदगल जी सर, 2015 में तो बड़ा कहा गया था कि पीडीपी के साथ गठबंधन कर लेंगे, अब बनाइए ना वहां पर सरकार। देखिए विजेंद्र जी बिल्कुल स्पष्ट है, जो जिस पार्टी ने भाजपा का हाथ थाम लिया कांग्रेस उसका हाथ किसी भी कर्नाटक में क्यों थाम लिया कुमार स्वामी का? देखिए कुमार स्वामी अलग लड़ रहे थे, वो भाजपा के पार्ट नहीं थे, भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़े, बीजेपी का पार्ट है, चुनाव लड़े ना उन्होंने, भाजपा के साथ चुनाव लड़ा। आप उन्होंने जमानत जब्त करा के पीडीपी प्रोग्राम पे चुनाव लड़ा, गलत बोल रहे। अरे तो इनके कैंडिडेट को जिताने में बीजेपी का ही हाथ था, में इनकी कूटनीति फेल हुई है। मोदी जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि इस काम में कुछ पूरा कश्मीर में इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, अब वो ओपन कीजिए क्योंकि मुफ्त महबूबा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। सर कमाल कर रहे हैं आप तो, ऐसे कह रहे हैं जैसे कांग्रेस के दौर में जम्मू कश्मीर में फूल खिला करते थे, आतंकवादी आकर सेना के जवानों को फूल देकर जाते थे। कांग्रेस के शासन काल में इतना आतंकवाद को बढ़ावा कभी नहीं मिला जितना पिछले 3 सालों में मिला। इतने आतंकवादी कभी मारे गए? बिल्कुल मारे गए, कांग्रेस के राज में बिल्कुल मारे गए। कांग्रेस के शासन में जम्मू कश्मीर में पूर्ण शांति हुई और पूरा अमन चैन हुआ। तो बनाइए ना दोबारा, देखिए गठबंधन चुनाव के हाथ बांध के रखे थे, अब जनता मैंडेट की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट बात है, एक बात मैं इसमें सर, ये कर्नाटक में क्यों नहीं किया मैं पूछ रहा हूँ विजेंद्र जी, मैं इसमें ये बात देखिए आपको तो ध्यान हो गया, राहुल गांधी ने कुमार स्वामी को लेकर जेडीएस को लेकर किस तरीके के बयान दिए थे। विजेंद्र जी आज आतंकवाद पे बहस हो रही है, समझ रहे होंगे आतंकवाद का अगर कोई सबसे अवसरवाद की राजनीति को समझना चाह रहा हूँ, अगर जो कर्नाटक में अलग होती है जम्मू कश्मीर में अलग होती है। आतंकवाद का खमियाजा जितना कांग्रेस ने भुगता इतना किसी पार्टी ने भुगता, चाहे हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी जी हो, चाहे बीएन सिंह जी हो, चाहे मित्रचंद शुक्ल हो, पूरे काफिले को उड़ा दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि सर आतंकवाद का खात्मा कीजिए ना, कीजिए गठबंधन चलाइए सरकार वहां पर। हम बिल्कुल चुनाव में जाएंगे लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये इन्होंने साथ किया सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई, ये इनका व्यक्तिगत निर्णय हुआ, क्यों नहीं इन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई? और फिर सीज फायर को जब इन्होंने दोबारा खत्म किया तब भी इन्होंने कोई सर्वदलीय बैठक नहीं मिलाई। टीडीपी और बीजेपी दोनों ही अपने निर्णय कर रही थी तो दोषी भी ये दोनों ही है विजेंद्र जी, बिल्कुल स्पष्ट है। मेरे साथ ये भी बैठे हुए सारा वाद की अगर सर्वदलीय बैठक में निर्णय होता और उसके बाद में अगर ये निर्णय टूटता तो एक अलग बात थी। कांग्रेस को तो कहीं भी इन्होंने शांति वार्ता में शामिल ही नहीं किया, सब निर्णय मोदी जी और अमित शाह ले रहे थे, इसलिए दोष भी अमित शाह और मोदी जी को ही है इस पूरे प्रकरण में। अच्छा इसको कहते हुए आप ये कह रहे हैं कि पीडीपी के साथ अगर भविष्य में कुछ करना पड़ेगा तो कर सकते हैं इसलिए उनको दोष नहीं देंगे? देखिए हम पीडीपी से कोई समझौता नहीं करने जा रहे, हम चुनाव में जाएंगे, हम चुनाव की जनता का मैंडेट लेंगे, अगर जनता हमको चुनेगी तो हम सरकार बनाएंगे, अन्यथा हम विपक्ष में बैठने को आज भी तैयार है और आगे भी तैयार रहेंगे यदि जनता का मैंडेट जो भी होगा उसको कबूल करेंगे। ठीक है सर, लेकिन कर्नाटक में तो आपने समझौता किया ना, वापस सरकार में आए ना, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ रामलाल शर्मा जी। जी सर क्यों ऐसा हुआ ये मैं आपसे पूछूंगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।
कि आगे क्या कुछ होने वाला है और जिस तरीके से ये गठबंधन तोड़ा गया है, क्या वाकई में इसको एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से कहा जाए जिसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगा और आगामी 5 राज्यों के जो चुनाव है वहां पर इसका महिमा मंडन किया जाए और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया फैसला। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात करें कि बेमेल जो गठजोड़ था, जो जोड़ था वो अब टूट चुका है, लेकिन अब इससे जम्मू कश्मीर पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है और जिस तरह बार बार हम इशारा कर रहे हैं कि राज्यपाल के जरिए बीजेपी अब पूरे तरीके से कंट्रोल करती वहां पर नजर आई है। एक बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, एक बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं और ये क्या है इसको जरा ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी गठबंधन टूटने के मामले में बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। गृह मंत्रालय एक प्रतिनिधि मंडल को जम्मू कश्मीर भेजने वाला है, अधिकारियों का एक दल जम्मू कश्मीर भेजा जाएगा। वर्तमान हालातों में राज्यपाल को सुझाव और सहायता यहां पर दी जाएगी। इस दौरान एनएसए की पूरी मामले पर नजर रहने वाली है। शाम 7:30 बजे उच्च स्तरीय मीटिंग यहां पर ली जाएगी, इसमें बाकायदा रो होंगे और आईबी के अधिकारी होंगे जो इस मीटिंग का हिस्सा यहां पर रहने वाले हैं और इसके अलावा आर्मी के प्रतिनिधि भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। यानी कहा जा सकता है कि इस गठबंधन के टूटने के बाद एक बड़ी कार्रवाई या फिर बड़ा एक्शन आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में दिखाई दे सकता है। श्याम सुंदर शर्मा जी, सर इस बड़ी खबर का मतलब यही निकाला जाए? देखिए विजेंद्र जी, मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह के हालात हो गए और आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू हो गई है उसको और तेज करेगी। जो गृह मंत्रालय ने एक अधिकारी का प्रतिमंत्रिमंडल एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए जम्मू कश्मीर भेजने की बात है, रिपोर्ट के बाद वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश होगी और राष्ट्रपति उसी रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल शासन घोषित कर साथ है, जो है आईबी है, एनएसए है और सेना है। अगर ये सारे एक साथ है इसका मतलब ये है कि एक बड़ा एक्शन वहां पर आतंकवादियों के खिलाफ देखने को मिल सकता है। विजेंद्र जी, क्योंकि वो आप सीमावर्ती इलाका है, पाकिस्तान से लगता इलाका है, वहाँ आर्मी का भी है, रॉ का भी है, सारी गतिविधियाँ वहाँ पर केंद्रित है, इसलिए इनकी तीनों चारों की रिपोर्ट संयुक्त रूप से लेकर के ही हालात खराब जाएंगे, उसके बाद राज्यपाल शासन लागू होगा। वहाँ पर निश्चित रूप से राज्यपाल के प्रतिनिधि 3-4 जो बड़े आईएएस मिलिट्री के अधिकारी वगैरह सब लगा करके वहाँ कंट्रोल केंद्र सरकार का एक तरह से हो जाएगा। गुपचुप जिस प्रकार से केंद्र कहेगा वही राज्यपाल का शासन का मतलब यही होता है कि रहता तो राज्यपाल के अधीन है शासन, लेकिन क्योंकि राज्यपाल प्रतिनिधि होता है केंद्र का, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल काम करता है, धारा 92 है वहाँ पर, इसलिए राज्यपाल शासन होगा, राष्ट्रपति शासन तो होगा नहीं। सर तो ये भी बताइए ना कि अगर वहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से कोई और ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ शुरू करना है तो क्या इसके लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी? कि आप क्योंकि देखिएगा कि जब राज्यपाल का शासन हो जाएगा तो सारी गतिविधियां भी राज्यपाल के सहमति से सारी चीज लागू होगी वहाँ, और राज्यपाल सीधे तौर पर केंद्र का प्रतिनिधि होता है और वहाँ पर मिलिट्री के उसको भी एक सलाहकार लगा सकते हैं, एक रॉ का भी सलाहकार लगा सकते हैं और आईएएस अधिकारी जो पुराने होंगे रिटायर उनको भी जिम्मा दिया जाएगा। जैसे मंत्रियों के पास विभाग होते हैं वैसे ही राज्यपाल के पास विभिन्न अधिकारी होंगे, उनके पास विभाग सौंपे जाएंगे, उसके अधीन पूरा शासन चलेगा और शासन के अंदर जो आपके कि जिस प्रकार से सीज फायर के बाद जो घटनाक्रम हुआ और आतंकवादियों के पास जिस प्रकार से शिकंजा कसा गया और तेजी से कसा जाएगा जिससे कि स्थितियां सामान्य हो, क्योंकि स्थितियां गठबंधन टूटा है तो निश्चित रूप से विद्रोह की स्थिति कुछ पैदा होगी। ये जरूरी नहीं है कि आप बीजेपी कह रहे हैं कि माहौल वहां पर बिगड़ता नजर आएगा, बिल्कुल बिगड़ेगा, क्योंकि उसके लिए ये आपात बैठक यहां पर बुलाई गई। पीडीपी वगैरह जिस प्रकार का संगठन है, अब पीडीपी हो गई, हुर्रियत हो गया, हुर्रियत भी वहां पर ये सारे के सारे आप सामने आएंगे सामने तो उससे निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए गृह विभाग का रामलाल शर्मा जी इसको दो नजरिए से समझाने की कोशिश कीजिए। एक तो क्या वाकई इस बैठक का मतलब ये निकाला जाए कि अब बीजेपी के खिलाफ या फिर कहें कि सेना के खिलाफ वहां पर आक्रोश ज्यादा नजर आएगा, पत्थरबाज ज्यादा नजर आएंगे, आतंकवादियों पर नकेल कसना थोड़ा कमजोर होगा, इसलिए इस बैठक को यहां पर किया जा रहा है ताकि पूरी स्थिति को कंट्रोल वहां पर किया जाए और गृह मंत्रालय सीधा मॉनिटर करे। या फिर दूसरा मतलब इसका यह है कि अभी तक बीजेपी आतंकवादियों के खिलाफ उस तरीके से काम नहीं कर पाई क्योंकि गठबंधन का धर्म निभा रही थी, अब क्योंकि फ्री हैंड उसके पास है इसलिए बहुत तेजी से काम करेगी।
सोलंकी जी, दो तीन बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार का आतंकवाद, दूसरा वहाँ के स्थानीय लोग और स्थानीय लोगों का भी समर्थन नहीं, सेना को 1% भी स्थानीय लोगों का समर्थन नहीं था। और पीडीपी के साथ सरकार बनाने की मकसद भी ये था कि बहुत बड़ा एक प्रशासनिक तंत्र जो प्रदेश का रहता है, उस प्रदेश का तंत्र भी इन आतंकवादियों के ऊपर अंकुश लगाने के अंदर वो मदद करे। और इसी मकसद को लेकर जिस मॉडल के ऊपर हम चले थे, आज निश्चित रूप से उनके अनुकूल परिणाम नहीं आए, और अनुकूल परिणाम नहीं आने की वजह से हमने गठबंधन तोड़ा। और आज जिस तरीके से अब जो वर्तमान की जो स्थिति है, उन स्थितियों के ऊपर काबू पाने का एकमात्र तरीका यही है कि आतंकवादी के खिलाफ जो एक मुहिम सेना ने चला रखी थी, उनको एक फ्रीडम दिया जाए, और फ्रीडम के साथ साथ में तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार कोई ऐसी घटना नहीं घटे जिस घटना का सामना भी सेना को और स्थानीय लोगों को जिस तरीके से सामना करना पड़े, ताकि ज्यादा नुकसान नहीं हो। सबका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने और उस के ऊपर सभी प्रकार की गतिविधियां स्थानीय संगठन जिनका भी समर्थन कभी नहीं मिला। क्या बात है, संगठनों को लग रहा है या फिर अंदेशा दिखाई दे रहा है कि वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा? डर नहीं है, ठीक है सर, अंदेशा दिखाई दे रहा है कि रिपल्शन बढ़ेगा। मकसद एक ही है, राज्यपाल शासन लागू रिपोर्ट तो चाहिए ना रामलाल जी, क्योंकि गृह मंत्रालय जब तक रिपोर्ट पेश नहीं करेगा राज्यपाल शासन ले लग सकता है। श्याम जी वो बात, इसके लिए तो ये सब चीजें तैयारी हो रही है। लेकिन श्याम जी राज्यपाल शासन तो लगी जाने जब सरकार नहीं रहेगी। नहीं विजेंद्र जी, क्योंकि एक रिपोर्ट पेश होगी कि किस प्रकार के हालात पैदा हो गए, राज्यपाल उसमें अपनी रिपोर्ट पेश करेगा गृह मंत्रालय। सर वो तो अगर मैं गलत नहीं, सर उसकी जरूरत तब पड़ेगी जब एक बहुमत की सरकार के खिलाफ कोई ये कहे कि ये सरकार के दौर में वहां पर अराजकता फैल रही है, उसको लेकर अगर रिपोर्ट तैयार करके और बहुमत की सरकार को डिसॉल्व करना है, तब मुझे लगता है कि ऐसी रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। विजेंद्र जी क्योंकि 3-4 पार्टी वहाँ पे मौजूद है, एक सामान्य 7 अन्य है जी, आपस में जब गठबंधन नहीं हो रहा है साफ आपस में कह दिया जी, वो तो जाके के नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले तो मिल के आ गए, जाकर बोल आए हैं, तो विकल्प नहीं बचता है राज्यपाल शासन के अलावा। अभी फिर भी इस तरह के हालात, क्योंकि तत्काल नहीं लगाया जा सकता, उस पर एक रिपोर्ट जाएगी राज्यपाल की राष्ट्रपति के पास, और रिपोर्ट के लिए सब चीजें जरूरी है, इसलिए गृह मंत्रालय अपना सारा वहां वर्कआउट करेगा। मुद्गल जी, सर क्या वाकई में आपको लगता है कि अब इस गठबंधन टूटने का भी एक सियासी फायदा बीजेपी उठाती नजर आएगी कुछ आने वाले 10 या 15 दिन में? कुछ इस तरीके के ऑपरेशन वहां पर दिखाई देंगे जिससे पूरे देश में संदेश जाए कि आतंकवाद से लड़ने के लिए बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है, गठबंधन तोड़ने को तैयार है, राज्यपाल शासन लागू करने को तैयार है, और मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। देखिए विजेंद्र जी, इस समय जो देश आज की स्थिति में देख रहा है, वो देख रहा है कि 3 सालों में ना ये जम्मू कश्मीर का विकास कर पाए, ना ये वहां पे हिंसा रोक पाए, ना आतंकवाद रोक पाए। देश के सपूत रोज शहीद होते रहे, और बीजेपी के जो प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें कहते थे 4 सिर के बदले 40 सिर लेके आएंगे, वो बिल्कुल शहीदों को रोज नमन करते हुए दिखते रहे। तो आज देश कि मोदी जी की कथनी और करनी को आज स्पष्ट समझ चुका है। अब आपका मैं दूसरी बात पे जवाब दे रहा हूं कि अब ये सरकार बीजेपी को फायदा कुछ भी नहीं होने वाला, इनकी पटरी से गाड़ी उतर चुकी है, ये गाड़ी दोबारा पटरी पे नहीं आने वाली, प्लेटफॉर्म छूट चुका है, ये सरकार के अब जाने के दिन शुरू हो गए हैं। चाहे आप कर्नाटका ले लें, चाहे आंध्रा ले लें, चाहे आप महाराष्ट्र ले, आप देखिए वहां पे महाराष्ट्र में शिवसेना को मनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच गए, उसके बावजूद भी शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने इनकी बात नहीं मानी। तो अब कुल मिला के ये सरकार में मतभेद और मन में, मतभेद की बात ना कीजिए सर, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी 5 सेकंड में टोपी उतार देते हैं और दूसरे दिग्विजय सिंह आज ये कहते नजर आते हैं कि हिंदूवादी संगठन के पीछे आतंकवादी संगठन उसको कहा गया, और कहा गया कि आरएसएस खड़ा है। एक तरफ आप हिंदू सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ आपके नेता ऐसे बयान देते हैं, ये मतभेद और मनभेद नहीं है? विजेंद्र जी, दो चीज देने के लिए तैयार हो रही है। यूपी में क्या स्थिति कर दी है कांग्रेस की? आपने हुआ है कांग्रेस को, हुआ है कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज शहीद हुए। मनोज जी आतंकवाद सबने मन करते हैं, हमने बलिदानी दिए, हमारे नेताओं ने बलिदानी दिए, चाहे पंजाब हो चाहे। अच्छा मनोज मुद्गल जी, सर मैं पर्सनली तौर पर ये मानता हूँ कि राजीव गांधी जी हूँ, इंदिरा जी हूँ, नेहरू जी हूँ, ये कांग्रेस के नेता नहीं सर, ये देश के नेता है। बिल्कुल थे, लेकिन तो बार बार उसको कांग्रेस क्यों गिनाती? पार्टी के नेता, वो कांग्रेस के नेता हैं। देखिए देश के नेता थे लेकिन बलिदानी तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए कांग्रेस के लिए नहीं ना सर, मारा गया कांग्रेस के लिए नहीं सर, देश के लिए। आज तो युवा नेता का आपका जन्मदिन है, आप क्या कर रहे हो? देखो राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, उनको बधाई है, पूरा देश दे रहा है। ठीक है सर, मुझे फाइनल कमेंट यहाँ पर चाहिए। श्याम सुंदर जी, सर मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में हर वो सिचुएशन दिखाने की कोशिश की कि जिसके जरिए गठबंधन वहां पर बन सकता है। गुलाम नबी आजाद को भी सुना,
उमर अब्दुल्ला को भी हमने सुना, राम माधव को भी सुना और महबूबा मुफ्ती को भी सुना। आपको लगता है कि बीजेपी को अगर साइड कर दिया जाए, कहीं से कोई विकल्प आपको दिखाई दे रहा है इस राज्यपाल शासन के दौरान, छह महीने के दौरान? देखिए विजेंद्र जी, क्योंकि राज्यपाल तत्काल तो ये राज्यपाल शासन लगाने की स्थिति में नहीं होते, एक बार निश्चित रूप से फिर बात करेंगे मौका देंगे सर। और बात करने के बाद सात बार यहाँ लग चुका है पहले, तो आठवीं बार राज्यपाल शासन, मुझे लगता है कि कल दो तीन दिन में यहाँ स्थिति बन जाएगी। और क्योंकि सब वो कह चुके, अब लिखित में भी दे देंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो लिख के भी दे के आ गई है, कांग्रेस अगर गुलाम नबी आजाद कह तो रहे हैं, लिख के दे के आ जाएंगे, और पीडीपी भी कह के आ गई कि हम किसी से गठबंधन करने की स्थिति में नहीं है। सवाल कर रहा हूं क्योंकि अगर राज्यपाल शासन लगेगा तो आप ही के मुताबिक वहां पर सीधा बीजेपी कंट्रोल करेगी 100%, क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस समझौते के लिए तैयार नहीं हो, आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की स्थिति वो पहली वाली नहीं है ना, आपस में बनना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं कि हम कैसे गठबंधन में साथ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग तरह के हालात केंद्र में अलग तरह के बन रहे हैं। 1% भी चांस कांग्रेस पीडीपी के साथ गठबंधन बनाए? बिल्कुल कोई गठबंधन का मतलब नहीं है, कांग्रेस इलेक्शन में जाएगी, कांग्रेस इलेक्शन में जनता का मैंडेट देगी। फाइनल कमेंट सर, कैसे इन तीन सालों को डिफाइन करेंगे? देखिए सोलंकी जी, मैं ये कहूंगा कि देश सबसे पहले है, आतंकवाद के ऊपर अंकुश सबसे पहले है, विकास सबसे पहले है, और समझौते समझौता जिस मुद्दे के ऊपर किया गया था उनकी अगर सकारात्मक परिणाम नहीं आए। आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जो हम कह रहे थे कि इस गठबंधन के टूटने को सियासी तौर पर देखा जाएगा, कांग्रेस तीन साल पहले की चीजों को गिनाती नजर आएगी और बीजेपी इन तीन साल के बाद की चीजों को गिनाती नजर आएगी, लेकिन दोनों के ही राजनीतिक एजेंडे के अंदर अब इस गठबंधन का जो बिखराव हुआ है, जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, यकीनन ये अब चुनाव को इफेक्ट करता नजर आएगा, लेकिन राज्यपाल शासन के दौरान क्या कुछ वहां पर नजर आएगा ये वाकई में देखना दिलचस्प होगा। चलते चलते आपको छोड़कर चलते हैं टेढ़ी नजर के साथ, नमस्कार।